भट्ट के नाम को लेकर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी जारी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान तो लोकसभा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को राष्ट्रपति भवन के अलावा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को खाली कर देना चाहिए, अगर जरूरी हो तो सरकार इन्हें गोले बारूद से उड़ा दे, गिरा दे, क्योंकि यह भी तो देश की गुलामी के निशान है। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसराय के हाउस थे, लॉर्ड अरविंद पहले इसका बासिंदा थे, माउंटबेटन और सारे इंग्रजों की ये वाइसराय हाउस थे, आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई, तो पहले उसको त्याग करना चाहिए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए, सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो, अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से। तो अधीर रंजन चौधरी, जिनका यह कहना है कि अगर आपको इतनी आपत्ति है अंग्रेजों के नाम से, अंग्रेजों की चीजों से, तो आपको साथ में क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि राष्ट्रपति भवन को भी उड़ा देना चाहिए गोला मार के। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हैं कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, क्योंकि देखिए ये जो नोट लिखा है प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया विजिट का, वो इंग्लिश में है, लेकिन इसमें इंडिया के जगह पे भारत लिखा गया है। अमूमन अगर ये इंग्लिश में है तो यहां पर इंडिया लिखा जाता था, और अगर ये हिंदी में आता जारी होता तो उसमें भारत लिखा रहता, लेकिन उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन क्योंकि यहां पर इंग्लिश में लिखे होने के बावजूद भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से यहां पर इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। अब आपको ब्रिक्स का कार्ड हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब ब्रिक्स गए थे, यानी साउथ अफ्रीका गए थे, देखिए साउथ अफ्रीका और ग्रीस के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत तब भी लिखा गया था श्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उस वक्त इसको लेकर उतनी बातें नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है G20 सम्मेलन, और G20 सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति का कार्ड आना, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का कार्ड आना। अब राष्ट्रपति का कार्ड भी बता देते जहां से इसकी पूरी शुरुआत हुई। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ, जो हमारे डिग्निटरीज आ रहे हैं G20 के लिए, और यहां पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन साथ में भारत लिखा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पे भारत जो शब्द यहां लिखा है, इसी को लेकर जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहे हैं। और कल से नाम बदलने का जो मुद्दा इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि विपक्ष हैरान है, सवाल पे सवाल हो रहा है कि सरकार देश का संविधान बदलकर क्या इंडिया की जगह अब भारत लिखने जा रहे हैं, तो सरकार ने क्या करना होगा इसके लिए? अगर बदलने की बात होती है तो संविधान में संशोधन करना होगा, किस नियम के तहत हो सकता है? संविधान का जो आर्टिकल 368 है उसके तहत बदल सकते हैं। कितना बहुमत जरूरी होगा? संसद की 2/3 बहुमत जो सरकार के पास लोकसभा में है। अभी संविधान में क्या लिखा है? इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान की किस धारा में जिक्र किया गया है? आर्टिकल 1 में किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो आप देख रहे हैं, ये सो सारी चीजें हैं, जरूरत होगी अगर सरकार यहां पर बदलने के लिए कवायद शुरू करती है। अब मौजूदा नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है, उसको बदल के फिर क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ भारत हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जगह पे भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलना पड़ेगा। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जगह भारत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहना पड़ेगा। पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, वो हो जाएगा पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ भारत। और साथ ही दूतावासों के जो नाम है इंडिया में लिखे हुए, दूतावासों के नाम में भी बदलाव करना होगा अगर भारत को सिर्फ रखा जाता और इंडिया शब्द को हटा दिया जाता है। अब देखते हैं, इंडिया ही नहीं बहुत कुछ बदल रहा है, इसमें क्या क्या बदल सकता है अभी तक बदला है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो होता था अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है। सीआरपीसी जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भी बदला गया, हाल ही में जो मॉनसून सेशन हुआ था, भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है। रेस कोर्स रोड का नाम बदल चुका है, जहां प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसे लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। औरंगजेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग भी कर दिया गया है। उसी तरह से जैसे राजपथ होता था इंडिया गेट के पास, उसे भी कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।